हेलो। सो वी आर वर्किंग ऑन एक्सेल। वी आर वर्किंग ऑन दिस एक्सेल। Hello. So this Excel has been there. This we have discussed. So we are working on the GSTR 9. I am putting the table wise table part. So first we have discussed there are 19 tables and 6 parts. There are 19 tables and 6 parts are there in GSTR 9. The part one is related to the basic details. हमने ये बात करी कि इस basic details को हम कहाँ से click करेंगे. The form is the REG 26, which is the registration certificate. On the basis of that information to be picked in the part one basic detail. If it is not matching with the REG 26, then amend it through the portal by amending in non-core field or by amending in through core field as the case may be. और हमें क्या क्या चेक करना होगा उसमें, ट्रेड नेम, लीगल नेम, साथ के साथ हमने देखा फाइनेंशियल ईयर, यू हैव टू पिक द जुलाई 17 टू मार्च 18. नेक्स्ट, मूविंग टू पार्ट टू, विच इज द आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. ये वर्डिंग्स है उसकी पार्ट टू की. अब इस पार्ट टू की जो ग्रुपिंग है, इट्स रिलेटेड टू B2B, B2C, ठीक है जी. इस तरीके से पार्ट टू की वर्किंग है. इस पार्ट टू के दो पार्ट्स में करता हूं. पार्ट टू के अंदर पहला जो है टेबल नंबर 4. हमने यहां पे शुरू में बात करी थी कि पार्ट टू के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन आएगी, दैट इज आउटवर्ड सप्लाई. आउटवर्ड सप्लाई में B2B हो सकता है, B2C हो सकता है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस, सप्लाई टू SEZ, एग्जाम सप्लाई, नॉन जीएसटी सप्लाई, निल जीएसटी सप्लाई, एटसेट्रा. सो द आउटवर्ड सप्लाई विच इज आई एम पुटिंग इन माई 3B रिलेटेड टू 17-18, वो इंफॉर्मेशन जाएगी आपकी पार्ट टू के अंदर. जो मैंने 3B 18-19 में पे किया, वो इंफॉर्मेशन जाएगी आपकी पार्ट 5 टेबल नंबर 10, टेबल नंबर 11 के अंदर. अगर आपने 17-18 की इंफॉर्मेशन 3B 19-20 में पे करी, देन अप्लाई द सर्कुलर ट्वेंटी सिक्स ऑब्लिक 2018, वेयर इट स्पेसिफाई दैट इन केस ऑफ एनी अमेंडमेंट इन 3B यू कैन रेक्टिफाई इन योर नेक्स्ट टैक्स पीरियड ऑल्सो. तो सबसे पहले मैं देख 2017-18 के अंदर मेरी कितनी आउटवर्ड सप्लाई है, उस आउटवर्ड सप्लाई में मैंने 3B 17-18 में कितना पे किया है, वो पार्ट टू में चला जाएगा. मैंने 18-19 में कितना पे किया, वो टेबल में 10 और 11 में चली जाएगी वो इंफॉर्मेशन. अगर पे नहीं किया, वो पार्ट टू में इंफॉर्मेशन चली जाएगी. सो थ्री लिम्स आ गई आपकी. इफ पेड इन 3B 17-18, इफ पेड इन 3B 18-19, इफ नॉट पेड. अब हम बात करेंगे कि सर टेबल नंबर 4 में जो इंफॉर्मेशन हमसे मांगी जा रही है, दैट इज रिलेटेड टू द आउटवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल. इट मींस मैं कहता हूं ऑन विच जीएसटी इज पेबल. अब जीएसटी पेबल किस केसेस में हो सकता है, मैं केस लेके चलता हूं B2B, B2C, एक्सपोर्ट विद IGST केस में, LUT कवर मैं नहीं ले रहा, ठीक है जी, और भी कोई डीम सप्लाई या डीम एक्सपोर्ट्स के केस में.
एडवांस के ऊपर जीएसटी जाता है उसके केस में, दीज आर दी केसेस ऑन द इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई ऑन विच जीएसटी इज पेबल. टेबल नंबर 5 के अंदर वो इंफॉर्मेशन जाएगी ऑन विच जीएसटी इज नॉट पेबल. इट मींस देयर आर सर्टेन सप्लाई ऑन विच जीएसटी इज नॉट पेबल. फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूं कि देयर आर एक्सपोर्ट विद एलयूटी, कोई मेरी एग्जम सप्लाई, कोई मेरी निल रेटेड सप्लाई, कोई मेरी नॉन जीएसटी सप्लाई. दीज आर द केसेस ऑन विच जीएसटी इज नॉट पेबल. सर अभी तो हमने ये किया कि पार्ट टू के अंदर जो आउटवर्ड सप्लाई है जो मैंने अपने 3B 17-18 के अंदर पे करी या पे नहीं करी उसकी इंफॉर्मेशन मुझे पार्ट टू में देनी है. 17-18 से रिलेटेड पीरियड की जितनी भी आउटवर्ड सप्लाई है जो मैंने 17-18 में पे करी वो मेरी पार्ट टू में चली जाएगी, या पे नहीं करी तब भी चली जाएगी. आपका क्वेश्चन यहां पे रहेगा कि सर 3B के अंदर हम जो आउटवर्ड सप्लाई की इंफॉर्मेशन देते हैं दैट इज कंसोलिडेटेड, हाउ टू क्लासिफाई इट इज. इसके अंदर B2B की इनवॉइसेस कितनी है, B2C की इनवॉइसेस कितनी है, एडवांस के ऊपर जो मैंने जीएसटी पे किया कितना है, ठीक है जी, आरसीएम के ऊपर मैंने कितना पे किया, वो कैसे क्लासिफाई होगा, आपको क्या लेके चलना है. इन द केस ऑफ अ टेबल 4, टेबल 4 यू हैव टू फिगर आउट 3B 17-18 के अंदर जो मैंने पे किया या मैंने पे नहीं किया, और उससे मुझे कहां रूट करना है इसको, GSTR 1 पे. इट मींस पहले मैं देखूंगा कि मेरे 3B 17-18 के अंदर वो पेमेंट है, अगर है तो उसकी बाइफर्केशन मुझे अपनी GSTR 1 के साथ देनी है. तो वो कैसे दोगे वो आपको पता होगा कि मैंने जितनी भी सप्लाई है GSTR 1 के अंदर तो मैंने ले ली, बट मैंने उसका टैक्स 3B 17-18 में इतना जमा कराया, 18-19 पे इतना जमा कराया. यू हैव टू मेंटेन द रिको. एक शीट ले ले चलता हूं. यू हैव टू मेंटेन द रिकॉन्सिलेशन बिटवीन माय बुक्स वर्सेस 3B देन वर्सेस GSTR 1, देन इसको मुझे लेकर के चलना है मेरी GSTR 9 पे, देन मूविंग टू 9C. इन द केस ऑफ अ, यहां पे मैं इसको कट कर लेता हूं, इन द केस ऑफ अ आउटवर्ड. अब इन द केस ऑफ अ आउटवर्ड जो मेरा 3B अभी हमने बात करी 17-18 के अंदर जो पे करा, that information to be rooted in table number 4, 3B जो मैंने 2018-19 में पे किया that is rooted to table number 10 and table number 11. If 3B के अंदर मैंने पे ही नहीं किया then rooted to table number 4, table number 9 and pay through DRC 03. This is the case. You have to maintain the 3B to 1, their bifurcation related to the B2B, B2C, RCM ki liability, advance ki liability, etc. This is the case of the outward supply. I am reading the GSTR 9 format. 4A mein kaun si figure jayegi? Yahan pe hum likh lete hain. 4A के अंदर आपकी फिगर जाएगी B2C प्लस देयर अमेंडमेंट्स इन B2C, ठीक है जी, प्लस देयर क्रेडिट नोट प्लस देयर डेबिट नोट. इट मींस इफ आई एम सप्लाइंग B2C तो प्लस माइनस की इंफॉर्मेशन मुझे अपनी 4A के अंदर पुट करनी पड़ेगी. 4A मींस GSTR 9 का 4A का फॉर्मेट. 4B के अंदर मुझे क्या लेके जाना होगा, 4B के अंदर मुझे इंफॉर्मेशन लेके जानी है जो मेरी B2B में एक्चुअल सप्लाई है. फॉर एग्जांपल मेरा एक 120 का इनवॉइस था, 100 रुपीज मैंने यहां लिया, फिर दोबारा मैंने उसकी 20 रुपीज करके अमेंडमेंट कर दी,
ये आपका चला जाएगा 4K में, ठीक है जी, प्लस वाली अमेंडमेंट ये यहां पे चली जाएगी प्लस में 20, अगर माइनस करूंगा तो मेरी चली जाएगी 4L में, ठीक है जी। नाउ मूविंग टू बी टू बी बी टू सी, 4A 4B, 4C इज रिलेटेड टू द जीरो रेटेड सप्लाई और आई कैन से एक्सपोर्ट सप्लाई, 4C is related to the export information jayegi jo without LUT or I can say export with payment of IGST ki information yahan pe chale jayegi, 4C. 4D again similar related to the information supply to SEZ on payment of tax, 4E they are specifically notification in relation to the deemed exports cases, 4G it's a very very important task RCM ki liability, aaiye discuss karte hain RCM ki liability, 4 ki jagah main likhta hu RCM, meri koi RCM ki liability hai either through section 9(3) or section 9(4) of the CGST act, section 9(3) is applicable from 1st of July 2017 to 31st of March 2018 is being applicable. Section 9(4) 1st of July 2017 to 12th of October 2017 is being applicable. Most important task to be checked. दोनों के ही केस में मेरी RCM की liability. अब दोनों के ही केस में मैं बात करता हूं, मेरी आरसीएम की सबसे पहले मेरी बनेगी आउटवर्ड की लायबिलिटी, उसके बाद मैं लूंगा उसका आईटीसी, ठीक है जी। दोनों के ही केस में जब मेरी आउटवर्ड की लायबिलिटी बनी, मैं लेके चलता हूं कि मैंने उसको अपनी 3B 2017-18 में ले लिया, ठीक है जी। फिर मैं लेके चलता हूं मैंने अपनी 3B 2018-19 में ले लिया, फिर मैं लेके चलता हूं कि मैंने अभी अपनी 3B में पे ही नहीं किया, मेरे ये तीन केसेस हो सकते हैं। अगर मैंने अपनी 3B 17-18 में ले लिया तो मैं एक तो 4G में इसकी लायबिलिटी बनाऊंगा, 4G में मैं टैक्सेबल वैल्यू लूंगा, 4G में मैं उसकी GST लूंगा, मेरी बन गई लायबिलिटी। साथ के साथ मैं इसको GSTR 9 में टेबल नंबर 9 के अंदर इसको लायबिलिटी को एडजस्ट कर दूंगा। This is the case. अब मुझे इसकी आईटीसी बनानी है, लाइबिलिटी बनानी है। अगर आपके सामने फॉर्म है तो टेबल नंबर 6 पे आ जाएंगे, टेबल नंबर 6C एंड टेबल नंबर 6D में जाकर के आप इसकी आईटीसी को रिकॉर्ड कर देंगे, और ये सब टेबल नंबर 6 आपका पहुंच जाएगा टेबल नंबर 8B में। ये मूव कहां करेगा जाकर के, ये मूव करेगा टेबल नंबर 8B में। नाउ मूविंग टू, अगर यही आरसीएम कि मैंने आउटवर्ड सप्लाई मैंने पे करी 2018-19 में, 2018-19 में मैंने इसकी लायबिलिटी पे करी, अगर मैंने इसकी लायबिलिटी पे करी 18-19 में, वो सिर्फ आपका कहता है पार्ट 5 के अंदर आपको कहां लेके जाना है, पार्ट 5 के अंदर आपको टेबल नंबर, प्लीज सी द टेबल नंबर 10 में जाकर के आपको आपकी लायबिलिटी बुक करनी है। बट यहां पे इश्यूज क्या है कि पूरे GSTR 9 के अंदर आरसीएम के बारे में सिर्फ लिखा है 4G के अंदर, तो मैं क्या करूंगा 4G में लेकर के जाऊंगा टैक्सेबल वैल्यू, टेबल नंबर 10 में लेके जाऊंगा GST की वैल्यू, टेबल नंबर 14 में लेके जाऊंगा GST पेबल, और पेबल के साथ मैं अपना पेड उसमें एडजस्ट कर दूंगा क्योंकि मैंने इसको 3B 2018-19 में ऑलरेडी पे कर दिया। रही बात आईटीसी की, आईटीसी के लिए सेम प्रोविजन,
पर मैं कहूंगा टेबल 6C में क्यों नहीं जाएगा, 6C, I am reading, टेबल 6C, 6C में इंफॉर्मेशन वो जाएगी जो आपने 3B 17-18 में पे करी। अगर अब आपने ये 3B 2018-19 में पे करी, मैं पहुंचता टेबल नंबर 8 के सी में, एक तो टेबल नंबर 8 सी में चला जाएगा, दूसरा टेबल नंबर 13 में जाकर के आप इसको रिकॉर्ड कर देंगे, देखेंगे टेबल नंबर 13 कह रहा है आईटीसी अवेल्ड फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। थर्ड केस, मैंने 3B पे ही नहीं किया, इसको एक मैं ब्रह्मास्त्र लेके चलूंगा, अगर कोई भी आउटवर्ड की लायबिलिटी, अगर आपने कोई भी 3B 17-18-19 में पे नहीं करी और GSTR 9 बनाते हुए आपके सामने आ रही है, देन यू हैव टू पुट इन योर टेबल नंबर 4G, दोनों फिगर आएगी, टैक्सेबल वैल्यू भी आएगी और साथ के साथ आपकी GST भी आएगी, ये टेबल नंबर 9 में जाएगी और टेबल नंबर 9 के बाद आपको अपना DRC 03 बनाना होगा। अब 31st मार्च वॉज द ड्यू डेट to claim that ITC related to the RCM paid in 2000 related to the 17-18. अगर 31 मार्च 19 तो क्रॉस हो गई क्योंकि वो 3B के अंदर पे नहीं किया, ये फिगर अब आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने अपनी आउटवर्ड की लायबिलिटी बनाई, अब आप क्या करोगे, ITC का क्रेडिट लोगे, ITC का क्रेडिट किस में लोगे, ITC का क्रेडिट तो मैं अपने 8C में नहीं लेके जा सकता क्योंकि वो फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के बारे में, सिर्फ 18-19 के बारे में कहता है, पहला आपको ITC लेना है टेबल नंबर 13 में, देन उसको रिवर्स करना है टेबल नंबर 12 में जाकर के, रिवर्सल का कॉलम है टेबल नंबर 12, रिवर्सल ऑफ ITC अवेल ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे आपको ITC नहीं मिलेगा तो उसको आप इंफॉर्मेशन को नहीं भी दे सकते, आप DRC 03 में उसको आपको पे ही करना है, नॉन कोई और अदर ऑप्शन इस केसेस में नहीं है। 3B अगर किसी भी 3B के अंदर आपने उसको पे नहीं किया, एक तो उसकी GST की लायबिलिटी आएगी प्लस उसके साथ इंटरेस्ट की लायबिलिटी आएगी। अगर मैंने 3B में ITC रॉन्गली अवेल्ड कर लिया, होता है ना, 100 रुपीज का ITC लेना था, 120 का ITC ले लिया, 20 रुपीज अभी तक रिवर्सल नहीं किया, तो 20 रुपीज मैं रिवर्सल करूंगा, 20 रुपीज रिवर्सल करूंगा और साथ के साथ मैं यहाँ पे 24% इंटरेस्ट भी पे करूंगा, या तो आप अभी पे कर सकते हैं, नहीं तो फर्दर यू कैन पे थ्रू DRC 03। दिस इज द प्रोसेस ऑफ द GSTR 9 के अंदर RCM के बारे में। मूविंग टू पार्ट टू पे हम बात कर रहे थे, टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 5। टेबल नंबर 4 पे पहुंचते हैं, B2B, B2C, एक्सपोर्ट, डीम एक्सपोर्ट, ठीक है जी। टेबल नंबर 4 के बारे में और फर्दर बात करते हैं, यहाँ पे आपको 4K में इंफॉर्मेशन वो लेनी है जो मैंने अमेंडमेंट इनवॉइसेस प्लस में करे हैं, 4L में वो इनवॉइसेस के अमेंडमेंट करनी है जो मैंने डाउन किए हैं, 100 रुपीज बुक्स में था, 120 मैंने ले लिया तो 20 रुपीज उसको डाउन करना पड़ेगा, मैंने उसको अमेंड किया तो 120 आपका 4B में चला जाएगा और 20 रुपीज मैंने माइनस में लिया वो 4L में चला जाएगा। साथ के साथ 4I में आपके क्रेडिट नोट एंड 4J में आपके डेबिट नोट्स की ट्रांजेक्शन ओनली एंड ओनली इन रिलेशन टू दी B2B की जानी है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया हमारे शीट 2 के अंदर कि 4A के अंदर जितनी भी B2C जाएगी उस विद अमेंडमेंट जाएगी, विद क्रेडिट नोट डेबिट नोट जाएगी, सारे प्लस माइनस होके जाएगी, बट 4B में जाएगी सिर्फ B2B की ओरिजिनल इनवॉइसेस की। जी जी आगे बढ़ते हैं, टेबल नंबर 5 पे पहुंचते हैं। टेबल नंबर 5 में हमने बात करिया टेबल नंबर 4 ऑन विच GST इज पेबल, टेबल नंबर 5 में ऑन विच GST इज नॉट पेबल। ऑन विच GST इज नॉट पेबल के अंदर हमारे सामने केसेस हैं, जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। आइए टेबल 5, सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, जीरो रेटेड सप्लाई विद फाइलिंग ऑफ LUT,
ये इंफॉर्मेशन यहाँ जाएगी, सप्लाई ऑफ एसईजेड की इंफॉर्मेशन विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है जी। कुछ मेरे एग्जेम्प्टेड सप्लाई की इंफॉर्मेशन जाएगी, नील रिलेटेड की जाएगी और नॉन जीएसटी की जाएगी। आइए सारे के इन सब सबके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आपने एक्सपोर्ट के केसेस में एलयूटी फाइल किया है तो वो इंफॉर्मेशन यहाँ जाएगी। कोई मैंने एसईजेड को सप्लाई करी है विदाउट पेमेंट टैक्स तो यहाँ जाएगी। कोई मैंने एग्जाम सप्लाई करी है, अब एग्जाम सप्लाई के लिए आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन यू हैव टू रीड आउट 2/2017 इन द केस ऑफ अ गुड्स सेंट्रल टैक्स रेट 12/2017 नोटिफिकेशन सेंट्रल टैक्स का रेट, देन फर्दर बहुत सारे नोटिफिकेशन इसके अंदर आए, उसके अंदर आपको एग्जेम्प्टेड सप्लाई की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ के साथ अब एग्जाम सप्लाई की इंफॉर्मेशन और कहां से निकाल सकते हैं, अब अगर मैं बात करूं 12/2017 के अंदर एक इंटरेस्ट है कि मैं इंटरेस्ट इनकम लेता हूं लोन्स एंड एडवांसेस की, तो वो एग्जेम्प्ट है। तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, देखेगा हो सकता है कि क्लाइंट के बुक्स ऑफ अकाउंट से मुझे वो इंफॉर्मेशन दे, अगर कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी उसका सेविंग बैंक देखना पड़ेगा, उसका करंट अकाउंट देखना पड़ेगा, साथ के साथ उसकी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम इनकम टैक्स की देखनी होगी, साथ के साथ उसकी आईटीआर देखनी होगी और एनी अदर इनकम विच इज एन एग्जाम सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई यू हैव टू पुट इन योर GSTR 9, क्योंकि GSTR 9 इज द फाइनल रिटर्न, आई कैन से फाइनल रिटर्न दैट यू हैव टू डिस्क्लोज द रिलायबिलिटी। मूविंग टू nil rated GST and non-GST. Obviously, जो मेरी exempt supply है that are covered under 2/2017 is the same as the nil rated supply. कुछ nil rated goods भी define किए हुए अलग अलग notification के through, जिसके अंदर जैसे कि cashew nuts वगैरह, उसमें अगर वो मेरी nil rated supply then you have to put information here only. प्लस माइनस क्रेडिट नोट डेबिट नोट टेबल नंबर 5 के अंदर प्लस माइनस सब चीज इसके अंदर चली जाएगी। नॉन जीएसटी सप्लाई के अंदर जो मेरे पेट्रोल है एटसेट्रा आइटम्स है, ठीक है जी, और लीकर्स वगैरह है, वो इंफॉर्मेशन यहां पे चली जाएगी मेरी, दिस इज नॉन जीएसटी आइटम। उसके बाद मूविंग टू टेबल नंबर 5 में ही 5H इज रिलेटेड टू द क्रेडिट नोट, 5 टेबल नंबर 5I इज रिलेटेड टू द डेबिट नोट, टेबल नंबर 5J इज रिलेटेड टू द प्लस अमेंडमेंट एंड अगेन द टेबल नंबर 5K इज रिलेटेड टू द माइनस रिलेटेड टू द अमेंडमेंट। अब मैं क्या करूंगा, जब आप देखोगे मेरी टेबल नंबर 4 प्लस टेबल नंबर 5 इज इक्वल्स टू द टर्नओवर, दिस इज टर्नओवर एज पर जीएसटी विच इज नॉट एज पर बुक्स विच इज नॉट एज पर योर इनकम टैक्स विच इज नॉट एज पर योर एनी अदर लॉ इनकम, ठीक है जी। टेबल नंबर 4 और 5 में आपका जो टर्नओवर आ रहा होगा दैट इंक्लूड्स आरसीएम का टर्नओवर, दैट इंक्लूड्स एडवांसेस का टर्नओवर। अब मैं कह सकता हूं ये मेरा टोटल बन रहा है टेबल नंबर 5 का एन, मैं कह सकता हूं जो मेरी दोनों टेबल है टेबल नंबर 4 प्लस टेबल नंबर 5 अगर मैं इसमें से मैं अपनी आरसीएम की लायबिलिटी अगर हटा देता हूं दैट मींस ये मेरी वो सप्लाईज आएंगी ऑन विच ये मेरी वो सप्लाई आएंगी ऑन विच दिस इज अ सप्लाई ऑन विच जीएसटी एंड नॉन जीएसटी इज पेबल।
ये मेरी, मैं कह सकता हूं दिस इज मेरी द आउटवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स और नो टैक्स पेबल, दिस शुड बी मैच. Moving to part 3. Part 3 is related to the ITC. Very, very important. Which is the table number 6. Kyunki abhi humne 4 or 5 kar liya. Ab hum moving to table number 6. Table number 6A. Table number 6A is a auto populated figure. Auto populated figure aa rahi hogi aapki, jo aapki 3B 2017-18 se wo pick hogi, jo humne 17-18 mein pick kari hogi wo yahan pe pick ho jayegi. Ab aap kahoge sir table number 6B, table number 6C, table number 6D, aur ek aur leke chalta hu. Table number 6H. I read karte hain. Table number 6B is related to the registered dealer ITC. Table number 6C is related to the unregistered dealer ITC or registered dealer ITC. Registered dealer RCM wala aur unregistered dealer RCM ki liability or ITC. Table number 6H is the reclaim of ITC. Aapka sawal, aapka question. Kisse table number 6A auto populated figure le raha hai, isko hum apne GST 9 ke andar kaise isko RICO bana rahe hain. Ye jitni bhi information hai, kya iski jo bifurcation hai, main yahan pe merge karta hu. यहां पे मुझे क्या करनी है, बाइफर्केशन देनी है इनपुट इनपुट कैपिटल गुड्स एंड इनपुट. ये मुझे यहां पे बाइफर्केशन देनी है रैप टेक्स्ट. सो द इनपुट इनपुट्स कैपिटल गुड्स एंड इनपुट सर्विसेज की, इन तीनों चीजों की मुझे बाइफर्केशन देनी है. अभी इन तीनों चीजों की बाइफर्केशन सर मैंने जो 3B 2017-18 में पे किया क्या उसके अंदर से मिल सकती है ये इंफॉर्मेशन? ये इंफॉर्मेशन तो मुझे अपनी बुक से निकालनी पड़ेगी. बट ये जो फिगर होगी दैट इज रिलेटेड टू दी 3B 2017-18 इसको मुझे देखना पड़ेगा अपनी बुक से. अभी कैसे देखूंगा? मतलब सर आप कहना चाहते हो कि टेबल नंबर 6B 6A 6D 6H के सिक्स एच में तो रिक्लेम का मैं ITC अलग कर देता हूं. मान लीजिए मैं टोटल यहाँ पे मेरा ऑटो पॉपुलेटेड हो रहा है 100, ठीक है, मैंने रिक्लेम किया 20, मैं अपने 3B 17-18 में से निकाल लूंगा, बचा मेरा कितना 80. 80 में से मैं देखूंगा मेरा रजिस्टर्ड डीलर का आरसीएम का क्रेडिट मैंने लिया 10, ठीक है, और इसका क्रेडिट लिया मैंने 20, तो बचेगा क्या? व्हाट्स द डिफरेंस? 20, 20, 40 और 50, बैलेंस इज रिलेटेड टू द 50. अब आपका सवाल सही बाइफर्केशन कैसे करूंगा, तो सबसे पहले मैं 20 अलग कर लूंगा एंड दिस इज ओनली इन रिलेशन टू द 3B 2017-18 ओनली नॉट फ्रॉम बुक. सबसे पहले तो मैं अपना रिक्लेम ले लूंगा. रिक्लेम के बाद जो भी रजिस्टर्ड डीलर का जो आरसीएम है जो मैंने मेरी बुक्स में आ रहा होगा मैं यहाँ पे फिगर आउट कर लूंगा. देन अनरजिस्टर्ड डीलर का फिगर आउटपुट कर लूंगा, चाहे वो इनपुट का हो, इनपुट सर्विसेज का हो, कैपिटल गुड्स का. बैलेंस मेरा क्या होगा? 50, दैट इज रिलेटेड टू द रजिस्टर्ड डीलर का ITC.
इस तरीके से मुझे अपनी इस प्रोसेस को लेना होगा। मैं मेन सवाल पे आता हूँ, आपको इंपोर्ट ऑफ गुड्स टेबल नंबर 6 की ई की बाइफरकेशन आपको अपनी बुक से देनी होगी, आईएसडी की देनी होगी, ट्रांजिशन क्रेडिट आपको अपनी बुक से देना होगा, टेबल नंबर 7 टेबल नंबर 7 के अंदर मुझे देने हैं अपने रिवर्सल्स। रिवर्सल्स में आपके सामने टेबल नंबर 7A to 7H एज पर रूल 37 विच इज रिलेटेड टू दी 180 डेज क्रॉस मेरे आईटीसी के रिवर्सल। रूल 39 आईएसडी क्रेडिट का रिवर्सल। रूल नंबर 42, 43 इज इंपॉर्टेंट, मुझे इसके रिवर्सल करने हैं। जो मेरी इनपुट्स यूज हो रहे हैं मेरे आउटवर्ड सप्लाई में और मेरी आउटवर्ड सप्लाई एग्जम्प्टेड सप्लाई भी है और टैक्सेबल सप्लाई भी है, तो मुझे उसकी फॉर्मूला बेसिस पे मुझे उसका रिवर्सल करना है। और जो मेरी पर्सनल एक्सपेंडिचर है उसका रिवर्सल करना है। सेक्शन 17(5) के रिवर्सल मुझे यहाँ पे करने हैं। ट्रायन 1 के रिवर्सल, ट्रायन 2 के रिवर्सल्स और अदर रिवर्सल इफ एनी विच इज नॉट स्पेसिफाइड, प्लीज हैव अ लुक। Please have a look at your GSTR 9. Moving to table number 7 के reversals के बाद moving to अब आपका सवाल एक और आने वाला है which is the practical table number 8 sir table number 8A is a auto populated figure from 2A table number 8B is a figure from 6B plus 6H what is 6B again I am checking what is 6B is the inward supply kyunki mere jo 2A mein jo figure aa rahi hogi sir wo to registered dealer se aa rahi hogi na और 6B के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन होगी जो मेरी रजिस्टर्ड डीलर का आईटीसी होगा और 6H के अंदर कौन सा होगा वही जो मेरा रीक्लेम मैंने जो रजिस्टर्ड डीलर से किया था तो इसलिए मेरे 6B और 6H की वर्किंग यहां पे मांगी गई और जो और ये 6B 6H इज रिलेटेड टू द 2017-18 का 3B के अंदर जो मैंने पे किया 8C टेबल नंबर 8C के अंदर वो इंफॉर्मेशन जाएगी जो मैंने अपनी 3B 2018-19 में पे करी। देखिएगा मेरा टेबल 8A में टोटल आईटीसी आ रहा है 20, मैंने अपने 3B में लिया 18, बाकी मैंने हो सकता है कि 18-19 में लिया।
अगर 18 19 में लिया तो अगेन मुझे यहां पे लेना पड़ेगा टेबल नंबर 12 में भी. प्लीज हैव अ लुक. आपका सवाल यहां पे होगा कि सर जब कभी भी टेबल 8 ए इज एक्सीड्स देन 8 बी प्लस 8 सी राइट. प्लीज हैव अ लुक. आपका सवाल होगा टेबल 8A इज एक्सीड्स देन टेबल 8B और 8C. उस केस में क्या होगा. मैं कह सकता हूं कि मेरे 2A में ज्यादा फिगर है और मैंने 3B में नहीं ली. ये वो केस हो सकते हैं कि मैंने वो ITC नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स. पहला केस, इफ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स दैट ITC वो ये क्या हो सकता है दैट ITC मे बी ITC अवेलेबल टू मी बट नॉट अवेल. ITC अवेलेबल टू मी बट इन एलिजिबल. ये वाली फिगर मेरी बनेगी 8E, ये वाली फिगर बनेगी मेरी 8F. ठीक है जी. जो डिफरेंस मेरे बनेंगे वो बनेंगे टेबल नंबर 8D, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F. आपका सवाल, इफ टेबल 8A इज लेस देन टेबल नंबर 8B प्लस 8C. ठीक है जी. इस केस में क्या होगा. मैक्सिमम क्वेरी. फर्स्ट रीजन ये हो सकता है कि सप्लायर हैज नॉट अपलोडेड इनवॉइस, देयर बाय मेरे वो 2A में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा. ठीक है जी. सप्लायर हैज नॉट अपलोडेड इनवॉइस, देयर बाय 2A में मेरा रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा. हो सकता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई इज डिफरेंट हो. जैसे कि आई एम इन दिल्ली, मैं बॉम्बे गया ऑडिट करने के लिए, मैं वहां पे होटल में रुका, मुझे वहां पे बिल लगाया गया CGST एस जी एस टी. इट मीन्स महाराष्ट्र स्टेट CGST, महाराष्ट्र स्टेट SGST, दैट क्रेडिट इज रिफ्लेक्टेड इन द 2A बट नॉट रिफ्लेक्टेड इन टेबल 8A बिकॉज इट दिस क्रेडिट इज नॉट अलाउबल टू मी. ठीक है जी. ये दो केस हो सकते हैं. थर्ड केस ये हो सकता है कि आपके सप्लायर ने अपनी रिटर्न सेव कर रखी है, सबमिट कर रखी है बट नॉट फाइल. अब वो आपके 2A में तो रिफ्लेक्ट कर जाएगा बट आपके 8A में नहीं आएगा. 2A का मतलब जब आप अपनी 2A वर्सेस टेबल नंबर 8A ऑफ GST या 9 मैच करोगे, आपको उसमें डिफरेंसेस नजर आएंगे. वो तीन केस डिफरेंसेस ये भी हो सकते हैं. आइए हम मूव करते हैं अपनी पीपीटी पे. सो बेसिकली द एजेंडा वाज द हाउ टू फाइल एनुअल रिटर्न. वी हैव डिस्कस टिल टेबल नंबर 8 की इंफॉर्मेशन कैसे कैसे आपको देनी है. द लास्ट डेट इज अप्रोचिंग फास्ट नियर बाय. इवन आफ्टर एक्सटेंशन ऑफ 9 मंथ्स, अर्लियर ड्यू डेट वाज द 31st ऑफ दिसंबर. Now, अब हमारी ड्यू डेट अब क्या हो गई,
31st of August 2019. Please see the step-by-step approach. Calculate the relevant figure. Firstly, you have to calculate the figure. जैसे अभी हमने अपने यहाँ पे इस तरीके से शीट बनाई, आपको चेक करना है कि कौन सी फिगर किस टेबल में रिफ्लेक्ट करेगी, राइट? The first step towards the filing of annual return is to draft the correct data. Annual return has the following types of data. All transactions are liable for payment of tax. It will include the RCM liability, outward liability, or the advance liability. ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी? टेबल नंबर 4. Secondly, all outward transaction not liable for payment of tax, ये आपकी जाएगी टेबल नंबर 5 में. That includes the exempted supply, nil rated supply, non-GST supply, और आपके non-GST supply includes the no supply also. Reconciliation of gross turnover, 9C का पार्ट है वैसे तो ये. यहाँ पे लाइन क्यों लिखी है? देखेगा, टर्नओवर अगर आपके सामने होगा, टर्नओवर एज पर जीएसटी, अगर टर्नओवर एज पर जीएसटी होगा, यू हैव टू क्लासिफाई कि कौन सी मेरी टैक्सेबल सप्लाई है, कौन सी मेरी एग्जेम्प्ट सप्लाई है, कौन सी मेरी जीरो रेटेड सप्लाई है, कौन सी मेरी नील रेटेड सप्लाई है, कौन सी मेरी नॉन जीएसटी सप्लाई है, और कौन सी मेरी नो जीएसटी सप्लाई है. टैक्सेबल सप्लाई मेरी आ जाएगी टेबल नंबर 4 में, जीरो रेटेड सप्लाई मेरी आ जाएगी टेबल नंबर 5 में, एग्जेम्प्टेड सप्लाई मेरी आ जाएगी टेबल नंबर 5 में. सिमिलर बेस पे आपकी ये टेबल नंबर 5 में आपकी ये सप्लाई आ जाएगी. यू हैव टू क्लासिफाई बाइफर्केशन. आगे बढ़ते हैं. Calculate the payment of liability. Firstly, you have to calculate the turnover part, which is the outward. Then moving to the liability part. अगर मैं liability की बात करूं, ठीक है जी, liability अगर मैंने अपनी liability 3B के 2017-18 में pay करी, उसको मैं ले लूंगा अपने table number 4 और table number 9 में. मैंने 3B 2018-19 में पे किया, इसको मैं ले जाऊंगा टेबल नंबर 10 और टेबल नंबर 14. कोई मेरी लायबिलिटी 3B में मैंने पे ही नहीं करी, आपको लेके जाना पड़ेगा टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 9 और DRC 03 के थ्रू पे करना पड़ेगा. अब लायबिलिटी ये आपकी आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड. अब मैं बात करूं इनवर्ड. इनवर्ड में मैंने अगर ITC लिया होगा तो ठीक, 3B 2017-18 में अगर मैंने ITC लिया होगा, वो आपके टेबल नंबर 6 में चला जाएगा. अगर मैंने 3B 2018-19 में लिया होगा, ये टेबल आपके 8C और टेबल नंबर 12 में चला जाएगा. और अगर आपके ने 3B में नॉट टेकन दैट ITC, अब आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा. दैट इज इन रिलेशन टू द ITC. Once you have calculated the amount liable for the payment of tax, it's easy to calculate the tax. The formula is that payment transactions आपको देखनी है जुलाई 17 से मार्च 18, eligible ITC availed in ITC ledger, amount availed in the cash ledger you have to check. Take all input tax credit on your purchase, minus ineligible ITC, minus reversal, minus items used for personally. इनएलिजिबल आपकी ITC बनेगी टेबल नंबर 8 में, रिवर्सल आपको 7 में लेना पड़ेगा. ITC फॉर आइटम यूज पर्सनली टेबल नंबर 7, टेबल नंबर 7C और 7D ITC रॉन्गली टेकन, यू हैव टू रिवर्सल इन टेबल नंबर 12. जितने भी बाकी ITC बचेंगे आपके एलिजिबल ITC होंगे. मूविंग टू बी एन एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट, द अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द 2 क्राइटेरिया. ठीक है जी, ITC के बारे में कह रहा है, ये मेरे एलिजिबल ITC होने चाहिए, ये मेरे इन एलिजिबल
नहीं होने चाहिए, ये मेरे ब्लॉक क्रेडिट का पार्ट है तो आईटीसी का क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगा, और मुझे कोई रिवर्सल करने हैं वो मेरे आईटीसी टेकन का पार्ट नहीं बनेगा। दिस इज द केस, इट शुड बी एन एलिजिबल आईटीसी। आईटीसी इज क्लेम्ड बाय टैक्सपेयर इन 3B विद द प्रिस्क्राइब्ड टाइम, इट इज नॉट अ ब्लॉक क्रेडिट, रिवर्सल ऑफ 40 टू 43 आर मेड फ्रॉम इट। मेक रिको, अब आपको रिको बनाना है, हम डिस्कस कर चुके हैं ये वाले पार्ट के बारे में कह रहा है। टेबल नंबर 9 एंड 14 ऑफ जीएसटी 9 कंटेन्स द पेमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इन टेबल 9 पेमेंट डेटा विल बी ऑटो पॉपुलेटेड, दिस पेमेंट विल बी अप टू द रिटर्न ऑफ मार्च 18, और अगर आपने 18-19 में पे किया है वो टेबल नंबर 14 में चला जाएगा। द पेमेंट डेटा विल बी फेड अप, आपको फिल करना पड़ेगा। 3B filled in this period may have the taxes of the same period or the previous period. If GSTR 1 is defective, then actual data shall be relevant. Make the RICO of the tax payable and the tax actually paid. Wrong ITC was utilized against a wrong liability. Instead of taking an ITC, it was wrongly reversed and tax paid in CGST or GST via ITC, but liability was of IGST. Ek case lete hain. मेरे पास एक आईटीसी मैंने लेना है सीजीएसटी 20 रुपीज, एसजीएसटी 20 रुपीज, ठीक है जी। ये मेरी लायबिलिटी है, मैंने इसको पे कर दी, बट पता लगा जब मैंने फर्दर चेक करी जीएसटी ने बनाते समय कि ये मेरी होनी चाहिए आईजीएसटी। अब इस आईजीएसटी को मुझे क्या करना पड़ेगा, 40 रुपीज पे करना पड़ेगा, और 40 रुपीज पे करना पड़ेगा थ्रू आपका टेबल नंबर 9 एंड डीआरसी 03, और इन 40 रुपीज का आपको क्या करना है, दिस प्लस दिस यू हैव टू गेट बैक रिफंड। अगर कभी ऐसा है यू कांट एडजस्ट दिस फिगर इन योर फ्यूचर लायबिलिटी, यू हैव टू टेक द रिफंड। सिमिलर इज द केस ऑफ आईटीसी। इन केस देयर इज एनी एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स देन रिफंड शैल बी क्लेम, ठीक है जी। इंटरेस्ट लायबिलिटी शैल बी पेड थ्रू डीआरसी 03। फेड ऑल द अबव इंफॉर्मेशन ऑन द पोर्टल, प्रिकॉशन आर देयर बिफोर फाइलिंग इट, ठीक है जी। ऑल द नॉर्मल टैक्स पे आर रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल रिटर्न जीएसटी आर 9 इररेस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर। इट मींस मुझे जीएसटी आर 9 फाइल करनी है इवन निल रिलेटेड निल टर्नओवर, इवन 2 करोड़ टर्नओवर, इवन 1 रुपी टर्नओवर, एवरीवन हैज टू फाइल। किनको फाइल नहीं करनी, टीडीएस डिडक्टर, टीसीएस डिडक्टर, non-resident taxable person, casual taxable person, e-commerce operator हमने ले लिए। एक सवाल आपका आएगा, सर कैंसिल डीलर को रिटर्न फाइल करनी है, कैंसिल डीलर को सबसे पहले अपनी जीएसटी आर 10 फाइल करनी है, ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन आएगा, देन उसको जीएसटी आर 9 भी फाइल करनी है, ठीक है जी। ये हमने ले लिया, दे मे बी 3 केसेस। और रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हु इज अ नॉर्मल टैक्स पेयर इंक्लूडिंग एससीजेड यूनियन अ कंपोजिशन, और एक एग्जांपल लेके चलते हैं, अप्रैल 17 टू जून 17, जुलाई 17 टू September 17, October 17 to March 18, ये तीन पीरियड लेते हैं। This is the VAT period, this is the composition period, this is the composition opt out moving to regular period। इनको कोई भी फाइल नहीं करना, इनको GSTR 9A फाइल करनी है इस पीरियड की, इनको जीएसटी आर 9 फाइल करनी है इस पीरियड की, दिस इज द केस।
उसी के बारे में यहाँ पे कहा हुआ है. The registered taxpayer who is a normal taxpayer including the SEZ unit and SEZ developer को फाइल करनी है. A composition taxpayer who opted out of the composition in the middle of the year and continue to be registered under GST, उनको फाइल करनी है. A taxpayer who transitioned from VAT to GST in the first financial year, उनको फाइल करनी है. ये है मैंने एग्जाम्पल दिए हुए यहाँ पे. इन लोगों को फाइल नहीं करनी. A taxpayer registered under composition scheme, यहाँ पे एक composition वाला भी ले लेता हूँ. TDS, TCA, non-resident taxable person and casual taxable person. Prerequisites क्या? GSTR 9 के लिए मेरी उस पीरियड की GSTR 1 एंड GSTR 3 भी फाइल होनी चाहिए. टैक्स पे है, नहीं पे के है, वो GSTR 9 में आपका सेटल हो जाएगा. A taxpayer should be registered as a normal taxpayer. यहाँ पे लिख लेते हैं. It must be a regular taxpayer. ठीक है जी. A taxpayer should have filed GST 1 and 3B for the financial year before filing of annual return. Please note that table number 6A, which is auto-populated based on 3B, the same is not editable. Table number 8A is with the auto-filled based on the details auto-populated in 2A, and the same is not editable. The complete table number 9, details of taxpayer as declared in the return filed during the financial year will be auto-filled based on the details provided by you in Form 3B. Either it should be adjusted through paid through cash and paid through ITC. Login, navigate to the GSTR 9. आओ एक practical चीज देखते हैं कि क्या कहाँ जा करके आपको annual return file करनी होगी. Login to GST annual portal. Go to the return dashboard, moving to annual return. This is the case. अगर आपको dashboard पे नहीं मिलता तो return section में आपको annual return के अंदर दिखाई देगा. 17-18 का period choose करेंगे. 18-19 नहीं. 17-18 firstly you have to file. Prepare online or offline as the case may be. आपको अब पहले चूज करना है कि मुझे निल रिटर्न फाइल करनी है या डेटा के साथ रिटर्न फाइल करनी है. निल रिटर्न का मतलब कोई मेरी आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, कोई मैंने गुड्स और सर्विस रिसीव नहीं किए, मेरी कोई अदर लायबिलिटी नहीं है, मैंने कोई क्रेडिट क्लेम नहीं किया, मैंने कोई रिफंड क्लेम नहीं किया, मेरी कोई डिमांड नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, मैंने कोई लेट फी भी पे नहीं करी. फॉर एग्जाम्पल ऐसा केस हो सकता है कि किसी जीएसटीएन का लेट रिटर्न फाइल हो रहा है, पेनल्टी के साथ हो रहा है. बट अगर पेनल्टी के साथ हो रहा है तो देयर मस्ट बी सम डेटा इज देयर इन योर जीएसटी रिटर्न्स. इफ देयर डेटा इज देयर देन दिस इज नॉट कॉल्ड एज अ निल रिटर्न. इस तरीके से आपको यस और नो करना है. वो अगर कोई डेटा होगा ना तो यस बटन आपको एक्टिव नहीं दिखाएगा, तो नो पे क्लिक करते हुए आगे प्रोसीड ऑन करना है. If you choose yes to file nil return, then click on next, compute liability and file a nil return. It's just a 10 seconds process. If you choose no to nil return, click on next, a page GSTN annual return for the normal taxpayer is display. आपको अलग अलग टेबल मिलेंगी और उस डिटेल के अंदर आपको फिल करना पड़ेगा. सबसे पहले अगर आपको चेक करना है, आपको सिस्टम कंप्यूटेड GSTN 9 भी आपको मिलेगी पीडीएफ फॉर्म में. सिस्टम कंप्यूटेड GSTR 1 मिलेगी, सिस्टम कंप्यूटेड GSTR 3 भी मिलेगी फॉर मेकिंग अ रिको एंड मेंटेन द करेक्ट पिक्चर इन द GSTR 9. इन तीनों टेबल को आप पिक करोगे, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो उस केसेस में. कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन देखेगा. दिस इज द डेटा विच वी हैव फिल्ड, वी हैव टू फिल. ऊपर एक लाइन लिखी है, द फील्ड्स वेयर द सिस्टम कंप्यूटेड वैल्यू मस्ट बी मॉडिफाइड बाय मोर और लेस देन 20%. इससे ज्यादा भी वो फिगर ले रहा है, बट वो रेड हाइलाइटेड कर देगा. B2C, B2B, जीरो रेटेड, SEZ, डीम एक्सपोर्ट, एडवांसेस, RCM की लायबिलिटी, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट एंड सप्लाई थ्रू. ये आपका पूरा टेबल नंबर 4 है जिसके अंदर ऑटो पॉपुलेटिव फिगर आ रही है. आप चाहो तो इसको आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि देखिएगा मैं कह के चलता हूं, एक एक्सेल पे पहुंचते हैं. GSTR 1 में
बुक्स में 3B 2017-18 में और 3B 2018-19 लेके चलता हूं। 100 रुपीज का टर्नओवर, 100 रुपीज GSTR बन, बट मैंने 80 रुपीज पे किए 17-18 में, 20 रुपीज पे किए 18-19 में। अब ये इंफॉर्मेशन कैसे कैसे जाएगी, देखेगा जब आपका GSTR 9 बनेगा तो ये टेबल नंबर 4 ऑटो पॉपुलेटिव पिक कर लेगा GSTR 1 जो मैंने फाइल करी। बट अब यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, जो मेरे 4B के अंडर 100 आ रहा होगा आपको 4B भी लेना पड़ेगा 80 और उसके अगेंस्ट टैक्स। इसको मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा 9 के साथ क्योंकि मैंने 4B 4B के अंदर मैंने जितना टैक्स पे वही मेरा एडजस्ट होगा GSTR 9 और GSTR 9 इज द डेटा पॉपुलेटेड फ्रॉम 3B। ये 20 रुपीज आपको लेने हैं टेबल नंबर 10 एंड टेबल नंबर 14 में जाकर। यू कैन एडिट द सेल और एंटर द टैक्सेबल वैल्यू इफ द डिटेल्स वेरी प्लस माइनस 20% फ्रॉम द ऑटो पॉपुलेटेड फिगर डिटेल्स, देन द सेल विल बी हाईलाइटेड एंड अ कंफर्मेशन मैसेज विद अ पॉपअप आस्किंग इफ यू वांट टू प्रोसीड डिस्पाइट एनी डेविएशन। This is a confirmation screen. Detail of outward supply made during the financial year on which tax is not payable. आपकी information बनेगी 5M. ये एक summary of total item है, consolidated item. ITC availed details during the financial year आपकी बनेगी table 6O. Details of ITC reversal and ineligible ITC बनेगी 7I. Other ITC related information table 8A, detail of tax paid as declared in the return filed table number 9, and details of the previous financial year transaction reported in next financial year 10, 11, 12, 13 mein information jayegi. This is the crux of the GSTR 9. Koi mujhe differential tax paid on account of declaration dena hai 10 aur 11 mein agar maine 18-19 mein pay kiya hai, demand refund ki information table number 15 mein, जो मैंने सप्लाई करी कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन से जॉब वर्कर से मेरी सप्लाई मानी जाती है गुड्स एंड ऑन अप्रूवल बेसिस पे टेबल नंबर 16, एचएसएन वाइज समरी मेरी जाएगी 17 और 18। जब मेरा सब कुछ हो जाएगा एक प्रीव्यू जनरेट होगा GSTR 9 एक्सेल फॉर्म PDF फॉर्मेट आप उसको देख सकते हो, देन कंप्यूट लायबिलिटी आप करोगे देखेगा। दिस इज द पिक्चर स्क्रीन, लेट फी पेबल एंड पेड, जैसे ही आप प्रीव्यू करोगे आपको PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी, एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी, उससे आप मैच कीजिएगा और कीजिएगा। आपका सवाल होगा कि सर जैसे कंप्यूट लायबिलिटी करते हैं वो लायबिलिटी मेरी कैलकुलेट नहीं करता क्योंकि मुझे रिवर्सल का टैक्स पे करना है, कोई मैंने जो आउटवर्ड लायबिलिटी मेरे टैक्स पेबल टेबल नंबर 9 में ज्यादा है और टेबल नंबर 9 के टैक्स पेड में कम है तो मुझे वो लायबिलिटी भी पे करनी है DRC 03 के थ्रू पे करनी है तो मेरी कंप्यूटर लायबिलिटी बन जाए और वो पे हो जाए, ऐसा नहीं हो रहा पोर्टल पे। आपको खुद ही एज अ सेल्फ असेसमेंट ITC रिवर्सल करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट और अपनी लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। सो ऑन क्लिकिंग द कंप्यूटर लायबिलिटी GST पोर्टल विल प्रोसेस ऑल द डिटेल्स, इट ऑल्सो कैलकुलेट द फी इफ देयर इज एनी डिले अभी हो नहीं रहा। आफ्टर सम टाइम अ कंफर्मेशन मैसेज विल बी डिस्प्लेड फॉर यू to proceed with the filing. Taxpayer can make the payment from the funds available in the electronic cash ledger. It can't be adjusted with the credit ledger. In case the funds are low in the cash ledger, then the additional payment can be made through any other mode. GSTR 9 cannot be filled until the late fee is paid or paid off. A taxpayer should again preview the draft. Aur ye le raha hai payment. Without payment bhi GSTR 9 file ho raha hai. Better to pay with the GSTR 9. यहाँ पे मैं confirmation दूंगा, then moving to file GSTR 9, proceed button आएगा, जिसको मुझे digital signature के through या EVC के through मुझे file करना होगा. Select the declaration checkbox and select the authorized signatory. Click file GSTR 9. A page will be displayed for submitting the application with the two option, a file with DSC or the file with EVC. In case the records are processed with any error, the taxpayer will receive a warning message, can be resolved by revisiting the form and making correction in the table reflecting that error.
फाइल बटन आएगा, ARN जनरेट होगा आपका। नाउ अब ARN जनरेट हो गया, अब आपको पेमेंट करनी होगी। वो पूछेगा कैन अ टैक्स पेयर मेक एनी एडिशनल पेमेंट, यस अ टैक्स पेयर कैन मेक एनी एडिशनल पेमेंट थ्रू DRC03, द लिंक विल बी डिस्प्लेड ऑन द सक्सेसफुल फाइलिंग ऑफ रिटर्न। देखिएगा, क्लिक हियर टू मेक द पेमेंट थ्रू द फॉर्म DRC03 इफ एनी, अगर आपकी लायबिलिटी बनती है उसको आप क्लिक कीजिएगा, चालान जनरेट हो जाएगा, पे कर देंगे। So once the annual return is filed and ARN is generated, the taxpayer gets a confirmation message through SMS or by email. Again आपका सवाल, sir GSTR9 revise हो सकती है, मेरी गलत फाइल हो गई तो मैं क्या सावधानी रखूँ? सावधानी आपके सामने ये हो चुकी है, but it can't be revised after filing. There is no possible way of rectifying the error made in the annual return. अगर आपकी इंफॉर्मेशन 3B में सही है और 1 में सही है, देन इट्स अ वेरी वेरी इजी टास्क। ऑटो फिलिंग ऑल द टेबल, रिकंसलेशन बस बना के रखनी होगी आपको, मैचिंग और मिसमैचेस करनी पड़ेगी इनवॉइस लेवल पे और GSTN लेवल पे। साथ के साथ बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एक्सेल ऑप्शन आर अवेलेबल टू वेरीफाई एंड फाइल द GSTN9 टू इनेबल एनी कंप्लीट ऑडिट ट्रेल एंड यू कैन ट्रैक एंड मैनेज मल्टीपल क्लाइंट्स ऑल इन one place also. Risk parameter क्या है? Obviously, GSTR9 की due date in relation to 1718 was 31st of December 2018, right? उसके बाद ये due date बढ़ी 31 मार्च 2019, उसके बाद ये डेट बढ़ी 30/6/2019, अब ये हो गई 31 अगस्त 2019। अगर मैं इस डेट पे फाइल करता हूं रिटर्न, अगर होती रिटर्न फाइल, तो देर इज अ प्रोविजन रिटेंशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट रिलेटेड टू द GST विच सेज यू हैव टू रिटेन योर बुक्स ऑफ अकाउंट which is 72 months from the date of filing of annual return. 72 months means 6 years. 6 years main yahan bhi jod leta hu, agar main yahan pe 6 years jod leta hu, it means 6 years ka matlab kya hua, 31st of July 2025 तक ये आपको रिकॉर्ड मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। इट मींस मेरी जो 2017-18 की जो बुक्स है, इट मींस 18 वाली बुक्स आपको कब तक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखनी है? यहां तक, जब जब GSTR9 की डेट बढ़ती जाएगी आपको रिटेंशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट की रखनी पड़ेगी। एक और केस, अगर मेरी डेट ये बढ़ गई है, ऑब्वियसली अब ये मेरी डेट बढ़ गई है, देयर इज अ सेक्शन 72, section 73, section 74 of the CGST Act. In this case, section 73 के अंदर वो कहता है कि 3 years from the due date of filing of annual return आपको शोकॉज नोटिस विल बी, ऑर्डर विल बी सर्व। हियर इन द केस 5 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, ऑर्डर शैल बी इश्यू फॉर स्क्रूटनी। इट मींस ये मेरे केसेस हैं नॉन फ्रॉड केसेस में, और इन द केस ऑफ अ फ्रॉड इट मींस 5 सालों तक की बुक्स मैं पीछे से मंगवा सकता हूं। इट मींस अगर मेरी ये ड्यू डेट GSTR9 की बढ़ती जाएगी तो सेक्शन 73-74 की भी ड्यू डेट बढ़ती जाएगी। सो इट्स अ बेटर टू फाइल एंड प्रिपेयर विद इन दिस ड्यू डेट ओनली, ताकि एक हैसल फ्री सेल्फ असेसमेंट हो सके और मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में कम पीरियड तक मैं उसको, मतलब एक सफिशियंट टाइम तक मैं उसको रख सकूं। रिस्क पैरामीटर क्या है गलत रिटर्न फाइल करने का और डिलेड रिटर्न फाइल करने का?
So the audit department of the CBIC has developed the risk parameter for selecting the taxpayer to be audited on the basis of the annual return. However, the department has directed the official to move to desk-based filing for the small taxpayer instead of the traditional premise-based audit. In a detailed letter on how to conduct the audit, department said the premises-based audit still have to be conducted for the medium and the large category. Further, such audit should be undertaken in a time-bound manner to ensure the completion within stipulated time period of the 3 months from the commencement of the audit. They have started. GST audit was earlier scheduled to be commenced from 1st of July for those taxpayers who have filed the GST annual return. However, the GST Council in its last meeting extended the last date to 31st of August. The audit plan shared the journal heads of the indirect tax said in the case of an insufficient number of taxpayers who file annual audit returns, central excise and service return should continue. Here is the risk assessment is for conducting the audit has divided taxpayer into three categories based on the turnover. Jaise ki abhi humne piche dekha. It has been proposed that 40% of the available manpower would be deployed on the large taxpayer, while the list of the taxpayers shared with each audit commissionate contains about the 80% of the total taxpayer. Many others falling in the balance 20% might get picked based on the local risk factor. So filing is due in roughly 3 months or maybe up 2 months. It covers a period of 9 months as against the 12 months in a financial year. हम ये डिस्कस कर चुके हैं. GSTN is the annual summary of the sales, taxpayer, their own purchasing, ITC. GSTN auto populates the two fields. Only the table 4A of the 3B is available to report under the ITC, which is the table 6A of the GSTN and table 8A of the GSTR9. सिर्फ आपकी ऑटो पिक करेगा टेबल नंबर 6A विच इज द 3B ऑफ 2017-18 एंड टेबल 8A विच इज द 2A ऑफ 2017-18. Last point, the same council meeting has also addressed that irrespective of the month of filing, the table 8A in the GSTN9 with reflect. फिलहाल वो 1st of May का reflection ले रहा है. As reported by all the supplier as a tax filer for invoice raised in 17-18, amid this development, CBIC issue order by end of the December 18, these hold significance for the filer 17-18 who have not finished compliance and those who desire to make correction or claim ITC to already filed returns. Jaise ki, any GST return for July 17 se September 18, if not filed earlier, can now be filed up to 31 March 19 without any late fee. The ITC against purchase invoice of 17-18 can be claimed before filing the 3B for the March 19. Portal has allowed the amendment for B2B outward supply which happened between July 17 se March 18 in any GST R1 filing but up to March 19. So March 19 was the due date to make any correction amendments in relation to the ITC and in relation to the outward supply. ठीक है जी. नेक्स्ट पॉइंट, टैक्सपेयर मस्ट रिकंसाइल डेटा ऑफ 17-18 थ्रू आउट द ईयर जुलाई 17 से सितंबर 18 टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस इफ एनी बिटवीन द रिटर्न्स एंड बिटवीन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड द रिटर्न. सो द एडवांसेस पेड और रिसीव्ड मस्ट अकॉर्डिंगली बी एडजस्टेड एट द ईयर एंड अगेंस्ट द इनवॉइस इशू एट दैट पीरियड और इशू इन नेक्स्ट टैक्स पीरियड. The balance must only be reflected. ITC reversal must be done at the end of the year as per CGST rules. One may find it difficult to report the HSN-wise summary of the purchases. Table number HSN-wise summary. हम पहुंचते हैं table number 17 और table number 18. Sir, जिनका
दो 1.5 करोड़ का टर्नओवर है उनको फिल नहीं करना। अब इसको डिलीट करता हूं, जिनका 1.5 करोड़ से अबव है और ये 5 करोड़ तक पहुंचता है उनको टू डिजिट एचएसएन कोड इज मैंडेटरी, 5 करोड़ से ज्यादा है उनको फोर डिजिट मैंडेटरी। और ये सब देख रही है आपको प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। अगर मेरा पिछले साल में 2 करोड़ का टर्नओवर है, इस साल 1 करोड़ का टर्नओवर है, तब आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर पिछले साल में 1 करोड़ का टर्नओवर है, इस साल 2 करोड़ है, तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, वो प्रीवियस प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के बारे में बात कर रहे हैं। टेबल नंबर 18, आपको इनवर्ट सप्लाई देनी है। फॉर एग्जाम्पल एक एच एस एन कोड है 54, एक एच एस एन कोड है 62, 63, एक एच एस एन कोड है 99। मैं कह के चलता हूं इसमें मेरे 100 हैं इनवर्ट सप्लाई, इसमें मेरे 70 है, इसमें मेरे 70 है, एक और ले लेता हूं 86, इसमें मेरे 2 है सप्लाई। अब मैं क्या करूंगा, इसका टोटल लूंगा, टोटल मेरा 242, ये मेरी परसेंटेज आ गई। देखिएगा टेबल नंबर 18 में कहता है कि सर जिनकी एज पर 22nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग दे हैव सेड दैट फॉर द पर्पस ऑफ टेबल नंबर 18 जो भी आपकी सप्लाई इनवर्ट सप्लाई का 10% या उससे ज्यादा है वो इंफॉर्मेशन आपको देनी है। इसका मतलब ये देनी है आपको, ये देनी है और आपको यही इंफॉर्मेशन देनी है। टेबल नंबर 18 के लिए आपको HSN 86 की इंफॉर्मेशन नहीं देनी क्योंकि 10% से नीचे है। So one may find it difficult to report the HSN by summary for the purchase where it is not maintained in the books of account while raising an invoice. Sir, I am a regular taxable person और मैं composition से लेता हूं और वो HSN code नहीं देता, अगर वो नहीं देता then you have to take it. सर अगर मैं रेगुलर हूं, मैंने अनरजिस्टर्ड डीलर से माल लिया, वो अपने एचएसएन कोड में नहीं देता तो तब भी मुझे अपनी टेबल नंबर 18 के लिए मुझे लेना होगा। सो द रिपोर्टिंग ऑफ अ पर्टिकुलर एचएसएन इज रिक्वायर्ड इफ द वैल्यू अंडर द एचएसएन इज मोर देन द 10% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एचएसएन पुट टुगेदर। दिस वाज नेवर रिक्वायरमेंट इन द 3B। ये 3B में हमसे पूछा नहीं गया। यू हैव टू मेंटेन यूज ऑफ अ टूल अलोंग विद द सॉर्टिंग एंड फिल्टर द फीचर can help the identify the HSN summarize of the GSTR 9 detail. Technology can thus come to the rescue of the taxpayer who want to file this efficiently. Five things to do before you file the annual return. The government has extended the deadline. Right? Now the deadline is the 31st of August. You have to check the composition one. टैक्सेबल पर्सन है उसकी 9 ए जाएगी, अदर देन कंपोजिशन है उसकी रेगुलर टैक्सेबल पर्सन है उसकी 9 जाएगी। टैक्स पेयर विद अ टर्नओवर मोर देन 2 करोड़ इन अ फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम अप्रैल टू मार्च 18 विल हैव टू गेट द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड बाय CACMA एंड सबमिट अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इन द 9C। कंप्लायंस विद द जीएसटी प्रोविजन इज अ मस्ट डू टास्क बाय यू एज अ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, अदरवाइज यू विल एंड अप पेइंग पेनल्टी एंड लेट फी। You should keep all the details handy to avoid the last minute rush for filing the annual return. Reconciliation is must. Daily basis for reconciliation is must for filing of the annual return.
list of all the tax invoices and their reconciliation you have to maintain. GST audit. Prepare to file two return if applicable. Composition plus regular in the same financial year. Adhere to the reporting requirement. List of HSN for all the inward supply. अभी हमने discuss किया कि sir मैं regular person हूँ, मैं composition से माल purchase करता हूँ, उसने HSN code नहीं दिया, तब भी मुझे लेना है। मैं regular person हूँ, मैंने unregistered dealer से माल लिया, HSN code उसने नहीं दिया, मैं तब भी लेना है। Sir जिसका turnover 1.5 crore से नीचे है, sir उसने भी HSN code नहीं लिया, तो तब भी मुझे अपनी table number 18 में लेना है। So the list of HSN codes of all the inward supply should be kept handy. This is an additional requirement which was not been asked in your 3B. You as a taxpayer should identify and instruct the HSN wise summary from the purchase register at the earliest to file the error-free return. Segregation. These are the issues are coming. Segregation means table number 6. Aapko table number 6B, table number 6C, table number 6D में आपको bifurcation करनी है inputs, capital goods and the input services की. That also has not been asked in earlier in the 3, but you have to maintain the segregation as per the 3B file. Then उसका जो लूप लेना पड़ेगा वो आपको बुक्स का ही लूप लेना पड़ेगा. पहले 6D जाएगा, 6C जाएगा, then 6B जाएगा. उसमें से भी पहले आप इनपुट सर्विसेज अलग कर सको तो पहले इनपुट सर्विस अलग कर देना, then balance will be the inputs. List of all amendment entries and the reconciliation thereof. Thank you. Now let us discuss any questions in relation to your GSTR 9, filing of the GSTR 9. Any other query in relation to this webinar which we have conducted? Humne discuss kiya tha table number 9, oh sorry 8 pe the. Table number 9 के अंदर आपको tax payable is the field editable, but जो tax paid is coming from 3B 2017-18, right sir? कोई मुझे interest pay करना है, that only we pay through table number 9 and through DRC 03. Moving to part 5. Part 5 mein table number 10, 11, 12 and 13. Maine jo apni outward 3B 2018-19 mein pay kari yahan aayegi. 3B 2018-19 mein pay kari yahan aayegi. यहाँ पे प्लस की आएगी, यहाँ पे माइनस की आएगी. टेबल नंबर 13 में आपने जो आईटीसी का क्रेडिट है जो लेना है 3B 2018-19 में यहाँ आएगी. और मैंने कोई गलत क्रेडिट ले लिया और रिवर्सल मैंने किया 3B 2018-19 में यहाँ आ जाएगी. टेबल नंबर 14, बहुत ही ध्यान से देखने वाली बात कि टेबल नंबर 14 का जो लूप ले रहा है वो टेबल नंबर 10 और 11 से ले रहा है, 12 और 13 से नहीं ले रहा है. एक और चीज देखने वाली, इसको मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूं. यहां पे लिखा हुआ है जब आप पोर्टल ओपन करेंगे टोटल टर्नओवर, जो फॉर्म के अंदर नहीं है. टोटल टर्नओवर मींस आपका टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 5, टेबल नंबर 10, टेबल नंबर 11. ये टर्नओवर एज पर आपकी क्या होनी चाहिए,
as per GST. Aisa kyun? Table number 4 in relation to the outward supply on which tax is payable. Table number 5 is in relation to the outward supply on which tax is not payable. Turnover as per GST nahi karunga, main isko kahunga turnover. ये आपकी मैच होनी चाहिए बुक्स प्लस बुक्स से रिलेटेड आपको आईटीआर से रिलेटेड आपकी कंप्यूटेशन से रिलेटेड और एनी अदर इनकम से रिलेटेड आपका सर टर्नओवर इससे मैच होना चाहिए. टेबल नंबर 4 में आपके एडवांसेस भी आ गए और आपके आरसीएम भी आ गए. टेबल नंबर 4 और 5 में 4 में जाएगा जो 3B 17-18 में पे हुआ. टेबल नंबर 10 में जाएगा जो आपका 2018-19 में पे हुआ और 11 में जाएगा जो आपका 2018-19 में मैंने प्लस में लिया और यहां जो मैंने माइनस में लिया. जो टेबल नंबर 14 है वो इंफॉर्मेशन आपकी जाएगी टेबल नंबर 10 और 11 से, 12 और 13 से नहीं जाएगी. इसका टैक्स पेबल की जो फील्ड है दैट इज एडिटेबल, क्योंकि आपको चेक करना पड़ेगा अपने 3B 18-19 से. टैक्स पेड की जो फिगर है दैट इज आल्सो एडिटेबल, आपको मैच करना पड़ेगा अपने जीएस 3B से 18-19 के. पार्ट 6 लास्ट पार्ट पे पहुंच चुके हैं. कोई डिमांड, अच्छा ये आपकी टेबल नंबर 15 में आ गई. कोई डिमांड, कोई रिफंड की इंफॉर्मेशन यहां जाएगी. रिफंड सैंक्शन, रिफंड क्लेम, रिटर्न, रिफंड रिजेक्टेड, रिफंड पेंडिंग एटसेट्रा. मूविंग टू टेबल 16, मैंने कोई परचेज किया है फ्रॉम टैक्स पेयर से, यहां जाएगा. मैंने कोई डीम सप्लाई हुई है एज पर सेक्शन 143 जॉब वर्क वाला पॉइंट. अगर एक साल के बाद गुड्स वापस रिटर्न होते हैं तो दैट इज ट्रीटेड एज अ डीम सप्लाई एंड गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस. इस केसेस में जाएगा आपका 180 डेज अगर क्रॉस करता है दैट इज ट्रीटेड एज अ डीम सप्लाई. टेबल नंबर 17 वी हैव डिस्कस एचएसएन वाइज समरी ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई. टेबल नंबर 18 इज रिलेशन टू द एचएसएन वाइज समरी ऑफ द इनवर्ड सप्लाई. टेबल नंबर 19 इन रिलेशन टू द लेट फी, अगर जब मेरी GSTR 9 की एनुअल रिटर्न लेट फाइल होती है. सो थैंक यू, वी हैव डिस्कस ऑल दिस इशू. नाउ प्रोसीड ऑन द क्वेश्चन. दीपक जी का सवाल, वेदर द रिफंड सैंक्शन इन 18-19 रिलेटेड टू 17-18 शुड बी डिस्क्लोज इन दिस फॉर्म. यस यू कैन डिस्क्लोज, इट्स रिलेटेड टू द 17-18, वी कैन डिस्क्लोज इन दिस फॉर्म. In the form of RFD 01, 02, 03, 04, 05, on this way, refund claim, refund rejected, refund pending, refund received. इस तरीके से आपको अपनी refund से related bifurcation categorization देनी होगी in relation to the 17-18. इसमें दो opinion है, या तो आप 18-19 में ले जा सकते हो क्योंकि वो 18-19 में हुआ, but हो सकता है कि refund आपने क्लेम किया 17-18 में, रिफंड पेंडिंग हुआ 18-19 में. तो एक ओपिनियन ये भी है कि हम उसको अप टू डेट टिल द डेट ऑफ एनुअल रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड उसकी एक स्टेटस दे दें कि इतना रिफंड मैंने क्लेम किया, इतना रिफंड पेंडिंग है, इतना रिजेक्टेड है और इतना आना है. एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू
I think I have completed all the tasks related to the annual return. आपको कैसे फाइल करनी है, दिस सक्सेस शीट विल आल्सो बीन शेयर टू यू. और मुझे किस फील्ड के अंदर क्या इंफॉर्मेशन लेके जानी है, टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So the 19 tables and the 6 parts we have discussed. Any other query, please? So thank you for your patience and have a great understanding and the great learning related to the annual return. In the case of any query, you can ask in our WhatsApp group or any other on our email ID also. We can definitely ask you all the questions in relation to the GSTN9, and further we'll also approach to the GSTN9C. Hopefully in the coming weeks we can proceed on the webinar related to the GSTN9C. Thank you.